हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। स्टूडेंट्स, स्टीरियो केमिस्ट्री का ये हमारा पांचवा वीडियो है। इससे पहले हम लोग कुछ बेसिक डेफिनेशंस और स्टीरियो आइसोमर्स के टाइप्स हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो केमिस्ट्री के और भी कई कॉन्सेप्ट है जिनको समझने के लिए हमें पहले एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री का नॉलेज होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में हमें बहुत बार यह चेक करने की जरूरत पड़ती है कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है, उसमें एसिमेट्री है या नहीं है। तो इन्हें चेक करने के लिए हमारे पास यहाँ पर तीन एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो इन तीनों सिमेट्री एलिमेंट्स को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। मॉलिक्यूल में ऐसा कोई भी इमेजिनरी प्लेन, कोई भी काल्पनिक प्लेन, इमेजिनरी प्लेन जो किसी मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, ऐसे पार्ट्स जो एक दूसरे की मिरर इमेज हो, उस इमेजिनरी प्लेन को हम लोग बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम लोग सिग्मा से भी दर्शाते हैं। यहां पर मैं एग्जांपल बताता हूं आपको। जैसे हमने लिया ये ए अल्फाबेट। अब ए अल्फाबेट सिमेट्रिक है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये देखिए, ये वो प्लेन है, इमेजिनरी प्लेन, जो इस ए अल्फाबेट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इसी तरह से यदि हम लोग बी अल्फाबेट लेते हैं तो इसमें भी ये प्लेन है जो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो इस तरह से ये जो प्लेन है और ये जो वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये दोनों ही प्लेन ऑफ सिमेट्री हुए। ये वो प्लेन है जो बता रहा है कि मॉलिक्यूल में सिमेट्री है, ये मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है जो कि एक दूसरे की मिरर इमेज है। यहां देखिए, इस ए अल्फाबेट के दोनों तरफ के हिस्से एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो इस तरह से ये प्लेन हुआ प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या कुछ मॉलिक्यूल्स पे इसे अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं H2O मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल। ये H2O मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है जिसे आप देख सकते हैं। अब इसमें भी आप समझ गए होंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ है। ये देखिए, ये एक प्लेन जो इस O मॉलिक्यूल के बीच से होता हुआ गुजर रहा है, ये मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दोनों तरफ H एटम है वो रह जाएंगे। तो इस तरह से ये प्लेन जो एक वर्टिकल प्लेन है, इस तरह से ये मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ये हुआ H2O में प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसी तरह से यदि हम लोग प्लेनर ट्राइगोनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उनमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है। यहां पर हमने लिया है BCl3 का एग्जांपल। BCl3 के एग्जांपल में आप देखिए, हम एक प्लेन यहां से पास करते हैं। ये देखिए, किसी भी Cl, तीन Cl है, किसी भी Cl BCl बॉन्ड के थ्रू हम लोग एक प्लेन पास कर सकते हैं। ये वो इमेजिनरी प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है इस तरह से, जो मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो इस तरह से ये हुआ प्लेन ऑफ सिमेट्री, किसमें? BCl3 में। चलिए अब एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में इसे अप्लाई करके देखते हैं। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हम लोग लेते हैं हमने यहां पर रखा Cl, यहां पर रखा Br, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन। ये देखिए, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपके सामने है। अब इसमें प्लेन कैसे पास हो रहा है, इसे हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ये देखिए, Cl और Br से होते हुए मैं एक प्लेन आपको दिखा रहा हूं। ये प्लेन जो इस Cl और Br के बॉन्ड को ज्वाइन किए हुए है, ये प्लेन मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये देखिए, ये जो प्लेन है मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इस प्लेन के दोनों तरफ का हिस्से, इधर भी H है, इधर भी H है, दोनों तरफ के हिस्से
इक्वल हैं और एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। तो इस तरह से ये जो प्लेन जो मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ये हुआ इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस तरह से कुछ एग्जांपल हम लोग और भी ले सकते हैं। तो इसमें हम एक स्पेशल एग्जांपल लेते हैं जो हमारे बाद में भी काम आएगा। ये है मीजोटार्ट्रिक एसिड का। मीजोटार्ट्रिक एसिड में किस तरह से प्लेन होता है ये हम बाद में भी बात करेंगे, ये काफी स्पेशल एग्जाम्पल है। ये देखिए, ये आपके सामने है मीजोटार्ट्रिक एसिड। मीजोटार्ट्रिक एसिड में यहाँ बीच में से आप एक प्लेन पास करा सकते हैं। ये देखिए, ऊपर वाला हिस्सा और यहाँ जो नीचे वाला आधा हिस्सा है, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं और इक्वल है। तो यह हुआ मीजोटार्ट्रिक एसिड में प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में मैं दो बातें आपको यहां पर बताना चाहता हूं। पहली और इम्पोर्टेंट बात है, प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करते समय आपको मॉलिक्यूल की थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना होगा। मॉलिक्यूल की थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर के ही आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं यह चेक करना होगा। दूसरी बात स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। जिन मॉलिक्यूल्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, जैसे मीजोटार्ट्रिक एसिड या ये टेट्राहेड्रल का एग्जाम्पल, इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। मतलब जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। तो इस तरह से ये था प्लेन ऑफ सिमेट्री।